शांति, कल जो दादी जी का क्लास सुन रहे थे जिसका टाइटल है योगी जीवन का आधार कर्मों में दिव्यता, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारी स्थिति को नीचे गिराने वाली है उस तरफ हम देखे ही नहीं, जो भी बातें हमारी स्थिति को नीचे गिराती है उस तरफ हमें देखना ही नहीं है, इसको डबल अंडरलाइन करें। जो ऊंच बनाने वाली चीजें है वही हम देखे, धोखे में लाने वाली, पुरुषार्थ में रुकावट डालने वाली है चिंता और ममता। कहते हैं योग में बैठते हैं तो खराब संकल्प आते हैं, यह तो ऐसे हुआ जैसे योग में बैठे ही नहीं। यदि खराब संकल्पों को खत्म ही नहीं किया तो योग में बैठकर क्या करते हो? चलते, फिरते, खाते, पीते, खराब संकल्प क्यों आते हैं? जैसे बुरे संग से अपने को बचा लिया है ना, अन्य से बचा लिया है, ऐसे संकल्प शुद्ध भी आ सकते हैं। भोजन योगयुक्त तो होकर खाने की आदत हो, ऐसे नहीं यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है, जो भी भोजन में आए सब अच्छा है, किसी के लिए भी हमें लेबलिंग नहीं करना है कि यह अच्छा नहीं है। दिल को दुखाने की आदत भी छोड़ना है, क्योंकि जैसे ही कहा हमें ये पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है, दिल को दुखाया ना, खुद के भी और दूसरे के भी, तो दिल को दुखी क्यों करे? बाबा ने हमें ज्ञान योग समझ दी है ना, हम कभी अंदर दुखी न रहे। कोमल दिल दिल को दुखी बना देता है, हम कभी भी दुखी नहीं बनेंगे। जब तक दुख लेना नहीं छोड़ा है तो देने वाले क्यों छोड़ेंगे? देने वाले का काम है देना, पर हम लेवे ही नहीं ना। हम लेना छोड़ देते हैं तो देने वाले छोड़ देते हैं, डबल अंडरलाइन करें। जब हम दुख लेना छोड़ देंगे ऑटोमेटिकली देने वाला छोड़ देगा, क्योंकि देखिएगा इधर तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे ये दुख देते क्यों है, फिर ये डिक्शनरी में जो हमारा वर्ड है ना, इसने दुखी किया, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, इसलिए हम दुखी हुए, ये वर्ड ही डिलीट हो जाएगा। ऐसे नहीं कहना है अभी कि इसने दुख दिया, उसने दिया तो तुम लेते क्यों हो? दुख लेने की आदत होगी तो कोई ना कोई दुख दे देगा। जैसे माया किसी न किसी में प्रवेश होती है, माया देखने आती है कैसा है तुम्हारा ज्ञान योग, कैसा है तुम्हारा चिंतन, कैसी है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे में कोई ईर्ष्या तो नहीं है, तुम शांत शुद्ध आत्मा बनी हो या नहीं। धीरज का फल मीठा होता है, धीरज प्रेम शांति, तीन गोली खाकर सारा दिन कर्मयोगी बनो। डबल अंडरलाइन करें इन महावाक्यों को, धीरज प्रेम और शांति, ये तीनों गोली सुबह उठते ही खा लेनी है और रात को सोते समय पुनः खा लेनी है। कैसे रहेंगे हम? सारा दिन कर्मयोगी। सवेरे सवेरे तीन गोली खाओ, आजकल गोली के बिना शरीर तो चलता ही नहीं तो मन भी नहीं चलता। मन को चाहिए धीरज शांति और प्रेम, फिर किसी के साथ भी संबंध में आएंगे तो संबंध बिगड़ेगा नहीं। फिर किसी के साथ 10 दिन रहो, 10 साल रहो या 10 घंटे रहो, संबंध अच्छा रहेगा। कभी संबंध में तू मैं नहीं होगी, तेरा मेरा नहीं होगा, तुम रॉन्ग हो मैं राइट हूं, कभी ये भाव ही नहीं होगा। इन धंधों में जाने की जरूरत क्या है? ये धंधों में मैं रॉन्ग मैं राइट, हाँ, या तुम रॉन्ग तुम राइट, ये धंधों में जाए ही क्यों? बातों को बढ़ाना ही नहीं है ना। मैं रॉन्ग हूँ ठीक है सॉरी, अगर दूसरे को लगता है हम रॉन्ग है वहां पे, अगर हमने झुक लिया कह दिया ठीक है मैं रॉन्ग हूँ सॉरी, क्या बिगड़ेगा?
सामने वाले के संकल्प भी चलने से स्टॉप हो जाएंगे और हम भी अपने आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ में जुटे रहेंगे। तो झुकना सीखना है, ठीक है ना सभी? कहें हाँ जी बाबा। झुकने में दर्द होता है क्या? फिजिकली भी देखो, जो अकड़ कर चलता है ना, अकड़ कर रहता है, वो झुक नहीं पाएगा। पर झुकेगा नहीं ना, तो उसकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। फिर थोड़ा भी कुछ करेगा ना तो थकान महसूस होगी। बहुत समय से झुका ही नहीं, कुछ एक्सरसाइज ही नहीं की, फ्लेक्शन ही नहीं हुआ है, तो फिर एकदम से बॉडी को कोई एक्सरसाइज दो, बहुत तकलीफ महसूस होती है। ऐसे ही मन के लिए भी है, हर बात में झुकना सीखे। यदि कोई हमें राय देता है तो उसे हाँ जरूर कह दे। फिर वो हमारे श्रीमत अनुसार, बाबा की श्रीमत अनुसार है, हमारे लाने के लिए, हाँ हमारे कर्म में लाने के लिए श्रीमत पर यथार्थ है, ले आए। नहीं तो फिर उसको डिसरिगार्ड क्यों करें ना? हम जानते हैं बाबा की श्रीमत क्या है। तो झुकना सीखो, सॉरी कहना सीखो। झुकने में दर्द होता है क्या? फालतू संकल्पों से छूटना है, वायुमंडल अच्छा बनाना है, अव्यक्त स्थिति बनानी है। निश्चय में कितना बल है, सत्यता में कितनी शक्ति है, ऐसे अपनी लाइफ बनानी है जो हमारी लाइफ को देख औरों को प्रेरणा मिलती है। डबल अंडरलाइन, हमारी लाइफ ऐसी बनानी है कि हमारी लाइफ को देखकर औरों को प्रेरणा मिले। आराम से चलते चलो, सुस्ती से नहीं चलना है। आराम माना सुस्ती नहीं, लेकिन कोई खटपट नहीं, इसलिए सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। बाबा मूर्ति बना रहा है, हर एक शुद्ध संकल्प का पिंड बनकर मधुबन से जाए। आत्मा शुद्ध संकल्पों से युक्त हो, तो से आज अपने लिए अंडरलाइन कर ले, मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प हो। कब व्यर्थ चलता है? अशुद्ध संकल्प माना व्यर्थ, है ना? इसी के बारे में सोचना, बोलना, ये सब अशुद्धता की निशानी है। केवल बाबा ही मेरे संकल्पों में हो, बाबा के ही शब्दों को, हाथ मुरली को सुनाए, रिवाइज करे, ये शुद्ध संकल्पों में और शुद्ध कर्मों में आता है। तो आत्मा शुद्ध संकल्पों से युक्त हो। जितना शुद्ध संकल्पों से युक्त रखेंगे आत्मा को, उतना ही आत्मा की चमक और निखार बढ़ते जाएगी। उतनी ही हल्की होगी आत्मा और वही हमारे चेहरे के खुशी के भाव से प्रकट होता है। अशुद्ध संकल्प आते क्यों हैं? हम छुट्टी देते हैं तो आते हैं, हमने ही अपने मन को छुट्टी दी तभी तो वो आए ना। इसके लिए स्वयं पर डबल लॉक रखे, अशुद्ध संकल्प आए वहीं पे संकल्प में ही उसको लेट गो कर दे, निकाल दे, को गेट आउट कर दे। यदि बाबा से बहुत प्यार है, जो लक्ष्य बाबा ने दिया है ऐसा बनने की लगन है, तो और सब बातों से अपने को फ्री रख कर बार बार हर काम करते चेक करते रहो कि मुझे बाबा याद है। चेक करें हर कर्म करते, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, 8 घंटे बाबा ने हमें शरीर निर्वाह के काम के लिए छुट्टी दी है, परंतु बाकी 8 घंटे कार्य करते भी बाबा को याद करते रहे। तो ये अपने आप को रिवाइज करते रहे बाबा से के साथ, के भले हाथ काम में लगे हो परंतु दिल में बाबा की याद समाई हो, है ना? दिल में बाबा की याद समाए, अभी भी क्लास सुनते हुए बाबा याद है ना? है हाँ जी। हाथ से काम कर रहे हो, बुद्धि और कहीं नहीं जाए, ना किसी के बारे में सोचे, ना व्यर्थ लाए, ना कोई नेगेटिव ख्याल लाए। हाथों से काम करते रहे, बुद्धि से बाबा को याद करते रहे। देखो कितना उस कार्य में भी सफलता मिलेगी ना। दूसरे भी वही कार्य कर रहे हैं, हम भी वही कार्य कर रहे हैं, परंतु बाबा की याद में करेंगे ना तो काम भी बहुत अच्छा होगा और सफलता भी मिलेगी उसमें। हाथ से काम कर रहे हो, बुद्धि और कहीं नहीं जाए, तो 2 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी ना। सब काम एक्यूरेट करना है, बहाना नहीं बनाना है।
परंतु घड़ी घड़ी सोचना भी नहीं है। हर एक काम यथार्थ हो, एक्यूरेसी के साथ हो, कोई भी बहानेबाजी न हो, जिसके ऊपर विशेष अंडरलाइन और सुबह उठते ही कल अमृत वेला से रोज 3 गोली खाना है, रात्रि सोते वक्त भी खा लेना, धीरज, प्रेम और शांति की गोली। अच्छा, ओ शांति, 2 मिनट शक्तिशाली याद से शक्तिशाली प्रकंपन बनाएंगे बाबा के घर के लिए। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली। कल रात्रि 9:15 बजे रोज की तरह रात्रि क्लास के लिए। ओम शांति।